हर हर महादेव। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। लेकिन आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। कल का व्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था ना दोस्तों, वहीं से दूसरा व्लॉग हमने शुरू कर लिया, क्योंकि आजकल व्लॉग हमारे पास बिल्कुल भी नहीं रहता है। तुरंत तुरंत व्लॉग बनाना पड़ता है, तुरंत तुरंत डालना पड़ता है। इसी चक्कर में तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, क्योंकि कल के वीडियो में आप सभी ने देखा था बच्चों ने छीछा लेदर मचाया हुआ था त्यौहार के दिन, और उनको चिल्लाने की वजह से गुस्सा आती है जब ना, तो पूरा सर दर्द करने लगा गुस्से की वजह से, दिमाग ख़राब हो गया था। तो बस यहाँ पे हमारी बिटिया जो है सर दबा रही थी, और जिस समय से दर्द शुरू हुआ है अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे माही आटा लगा। मासी नमस्ते, देखिए यहाँ पे मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं आटा गूंथ रही हूँ और अभी रोटी भी बनाएंगी मम्मी, क्योंकि मैं मुझसे रोटी बनती है पापड़ की तरह एकदम पता नहीं टाइट कैसे हो जाती है। मैं आटा गूंथूंगी तो मम्मी बनाएंगी, उधर मम्मी लेती हैं। माही थोड़ा बड़ी हैं तो वो काम में लग जाती हैं, और ये दोनों तीनों भाई बहन मोबाइल देखने में लगे पड़े हैं। उसके बाद सोना बोल रही थी मम्मी हमारा मुंह दर्द कर रहा है, यानी कि दांत दर्द कर रहा है। इनको अभी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दर्द कर रहा है, इनके दांत में कीड़े लगे हैं। तो हम भी लेटे हुए थे, कब से ये बता रही थी, इनकी बातें हम सुन ही नहीं रहे थे क्योंकि खुद में परेशान थे, एकदम से सुस्त पड़ गए थे, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो दोस्तों क्या करें, अभी बच्चे हैं चार चार छोटे छोटे, नहीं बनाएंगे ये लोग, खाएंगे क्या? अगर हम लेटे रह जाएंगे ना तो इनका भी मुंह उतर जाता है। जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है बिस्तर पे जब हम लेटते हैं ना, तो हमारे बच्चों का बिल्कुल छोटा छोटा मुंह हो जाता है, और जब हम इधर उधर दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, इनको चिल्लाते भी रहते हैं, तो एकदम से ये और शैतानी करती हैं और एकदम खुश रहेंगी, आपस में झगड़ा भी करेंगी सब कुछ। लेकिन जैसे ही हमारी तबीयत ख़राब होगी, अगर हम बिस्तर पे गए, तो ये सब अपने आप एकदम कंट्रोल हो जाती हैं, और हर कोई अपने अपने काम में लग जाता है। किसी को एक जबन कोई काम बोली नहीं तो अपना काम करने लग जाती हैं। यहाँ पे हमारा बेटा आ गया है, और उनको हम सुबह सिखाते हैं कि सुबह दादी के पैर छुआ करें, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, बेटियों से पैर नहीं छुआते हैं, बेटे छूते हैं। तो उनको बोले थे कि दादी का, मम्मा का, मतलब सबसे नमस्ते किया करो, तो वही ये सीख रहे हैं और बार बार वही चीज़ें करें। अभी देखिएगा कुछ देर बाद फिर आएंगे। यहाँ पे तीनों बहनें झगड़ा कर ली थी, थोड़ा सा हमें अभी से बोलते हुए देखी, हमारी आवाज़ निकली बाहर, इनकी लड़ाई शुरू हो गई है, तो ये रोने लग गई थी। फिर हम इनको मनाए। ये मानसी जो है ना, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सोना ना बहुत सीधी है, लड़ाई ज़्यादा नहीं करती है। जब भी ये रोती है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, दोनों को मन करता है कि एकदम से थप्पड़ थप्पड़ पीट दूँ, क्योंकि सोना कभी लड़ाई नहीं करती है, उसके अंदर इतनी संतुष्टि है, कोई चीज़ उसको ना मिले तो बिल्कुल शांत रहती है, किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करती। अगर वो रो देती है तो हमारा एकदम से कलेजा फट जाता है, हमसे सहन नहीं होता है बेटी का रोना देखकर। लेकिन इन दोनों पे भी कभी कभी मतलब लगता है किसको मारे, हमारी जो पांच उंगलियां हैं हाथों की ना, इसको दबाए तो ये भी दर्द करता है, उसको दबाए ये भी दर्द करता है, उसको दबाए वो भी दर्द करता है, करे तो क्या करे ये भी नहीं समझ में आता है। तो कभी कभी इसी में चक्कर एकदम से आ जाते हैं कि क्या करूँ, इनको कैसे समझाऊँ। अभी देखिए दोस्तों इन सब का शुरू हो गया है खेल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15, 9:30 का टाइम हो रहा है, आओ इधर आओ। तो अभी सुबह से बिल्कुल भी ब्लॉग कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किए, क्योंकि कल से लगातार बारिश हो रही है। इधर, अच्छा इधर आ रहे हो क्या? ये आ गया हमारा बू 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 बू, बोलो नमस्ते करो। बड़े नमस्ते कर लो मम्मा आपसे। दीदी लोग सब नीचे गए बाबू। तो अभी हम छत पे बैठे हैं दोस्तों, और ये देखिए ये तख्ता जो बाहर पड़ा था ना छत पे, बारिश में भीग रहा था, तो इसको आज अंदर करवा दिए हैं। हम इसको नीचे सोच रहे थे, हमारा जो पलंग है ना वो टूटा हुआ है, तो उसको सोच रहे थे हटवा देंगे और इस तख्त को बेडरूम में दो तख्त लगवा देंगे, और एक गद्दा ले लेंगे तो दोनों पे बराबर आ जाएगा। क्योंकि जो हमारा बच्चा है ना, ये रात में बहुत रोता है। जब छत पे हम लोग सोते थे ना, तो चारपाई पे हमारे साथ सोता था, बचपन से ही इसकी आदत है। ये हमेशा एकदम सॉफ्ट, एकदम जहाँ पे मोटे कपड़े बिछे होते हैं ना, वहीं पे ये सोने को मांगता है। तो रात में क्या करता है, सोते सोते इनके तीनों बहनें पलंग पे रहती है तो उस पर गद्दा डला है, तो रात में उधर ही जाके सो जाएंगे, जहाँ जगह मिलेगा ना पैर के पास ही जाके लुढ़क जाएंगे उन दोनों के, तीनों बहनों के। तो रात में फिर हमें उठा के इनको बराबर करना पड़ता है। तो इनके लिए क्या, अब एक गद्दा लेंगे तो दोनों तख्त पे बिछेगा, डबल बेड वाला जो गद्दा रहता है,
तो पता नहीं वो मार्केट में आता है कि नहीं, मैटर वगैरह क्या उसको बोलते हैं, मैटरो कुछ ऐसे करके बोलते हैं, सही से नहीं पता है। पर अभी अब पहले उसको सर्च करके ऐप पे देखेंगे अमेजोन पे, फिर लेंगे। और अभी नहीं लेंगे, लेते लेते 4-6 महीने बीत जाएंगे लेंगे। इनके लिए हमें लेना है क्योंकि जितना ये मतलब इस तरह का हरकतें करते हैं ना, वैसे इनकी बहनें कभी नहीं की हैं। तो ये हमेशा एकदम से गद्दा वगैरह ढूंढते रहते हैं लेटने के लिए, रात में उठ उठ करके चिड़चिड़ाते रहेंगे। तो लेना है ना। अच्छा, मोटी गद्दी पे सोना है आपको? हाँ। तो इनके लिए एक गद्दा लेना है। और हाँ दोस्तों, मैं बता रही थी कि तखत को हम लोग अंदर करवा दिए हैं, और ये हमारा चूल्हा है जो नया वाला है। तो इतना गंदा लड़का है ना, ये पूरा बिगाड़ दिया। ये देखो, इसको निकाल दिए हैं बनाते टाइम, ये आप लोगों ने देखा होगा, इस पे भी रखा था 3 जगह। तो इसका ये निकाल दिए थे, तो तीनों हमने हटा दिया। तो हमने कहा एक पे रहने देते हैं, एक का हटा देते हैं। लेकिन इसको भी पता नहीं कैसे ये निकल गया। इसको बनाना है, आप बिगाड़ना नहीं, सुन लो भैया। हाँ, बिगाड़ना नहीं। तो ये अभी आज हमारी रसोई घर में नए चूल्हे पे कुछ हम मीठा बनाने वाले हैं, और हमारे 40,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं। तो इस खुशी में हम कुछ घर में बनाएंगे अपने लिए कुछ मीठा, तो सबको खिलाएंगे। तो इसलिए आज इस रसोई का उद्घाटन भी हो जाएगा, और हमारे जो चैनल पे 40,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं उसके लिए भी कुछ हम बना लेंगे। और बस यही ख़राब हो गया, हमारे चूल्हे की सोबाजी ख़राब हो गई, सो चली गई है चूल्हे की। यहाँ पे जो ये तखत लग गया है ना, बैठने में प्रॉब्लम होगी, और जैसे वीडियो वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन अब क्या करें दोस्तों, हमारे पास जगह नहीं है। और दिखाएं आप सभी को, ये देखिए सामने चारपाई रखी है, इस पे कपड़े डले हैं सब गीले वाले, अभी नहीं नहाना, यहाँ पे कपड़े डले हैं। और ये देखिए एक बांस रखा है हमने, इस पे भी जो गीले कपड़े हैं उसको डाला है। तो छप्पर के अंदर इसको हम डाल देते हैं जब भी बारिश वगैरह होने लगती है। इधर कपड़े डले, इधर कपड़े डले, और अब इस पे भी कुछ कपड़े डल जाएंगे। मतलब पूरा रसोई घर एकदम से पैक हो गया है। जब बारिश होगी लगातार तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, जैसे कि कल से लगातार बारिश हो रही है, कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। आज भी वैसे ही होगा, आज भी लगातार बारिश हो रही है। देखते हैं, जब वीडियो लगातार रिकॉर्ड करनी रहती है ना, मतलब रसोई घर में इसलिए डेली हम काम नहीं कर पाते हैं। बारिश जब होने लगती है तो एकदम से ये भर जाता है। जब बारिश निकली रहती है तो चीज़ों को बाहर निकाल के छत पे रख देते हैं, और फिर यहाँ पे अपना बना लेते हैं जो भी बनाना रहता है। बहुत दिक्कत है दोस्तों, बहुत दिक्कत, सच बता रहे हैं। आप लोगों से बस यही विनती है कि खूब सपोर्ट कीजिए, खूब प्यार दीजिए अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को, ताकि हम अपने लिए एक अलग से किचन बनवा सके, और वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हमारी किचन की चीज़ें रहें, इस तरह की चीज़ें कुछ भी ना जाए। ये जो सपना है ना हमारा, पता नहीं कब पूरा होगा। बस भोलेनाथ के ऊपर विश्वास है कि कभी ना कभी शायद अपनी इस बेटी की भी पुकार सुन लेंगे। तो उनसे यही विनती है कि बस जल्दी से सुन लीजिए भोलेनाथ, और परीक्षा आप मत लीजिए। चलो 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 तो दोस्तों, आज हमारे जो है वो 40,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। 4 साल में 40,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो वाह, ऊपर वाले, आपकी महिमा अपरंपार है। बस ऐसे ही अपना प्यार आप लोग बनाए रखिएगा। और दोस्तों, केक तो नहीं मंगवा पाए हैं, केक तो नहीं काट पाए हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम पपीता कटिंग कर रहे हैं, पपीता काट रहे हैं। केक ना सही, पर पपीता तो कट गया ना। तो पपीता आया कहाँ से है ये हम आप लोगों को बता देते हैं। भाई अभी आया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ नागपंचमी के दिन यानी गुड़िया का जो त्यौहार होता है, उससे पहले मायके से बेटियों के लिए, बहनों के लिए त्यौहारी आती है, जिसमें बच्चों के लिए कपड़े होते हैं, हमारे लिए कपड़े होते हैं, परिवार के सभी लोगों के लिए कपड़े होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं और त्यौहार की चीज़ें होती हैं। लेकिन वो इस बार नहीं आ पाई थी, चीज़ें तो घर में सारी लेके रखी गई थी, पर ससुराल तक कोई पहुंचाने नहीं आ पा रहा था। तो भाई आज लेके आया था त्यौहार होने के बाद। ये भी एक मतलब अजीब बात आज पहली बार हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि त्यौहार के बाद चीज़ें हमारे घर पहुंची हों। तो इसीलिए अधिकतर चीज़ें हमें नागपंचमी के पहले ख़रीदनी पड़ी थी, आप लोगों ने देखा था। तो वही सारी चीज़ें हम देख रहे थे,
साथ में इन तीनों बहनों के लिए बैग आया हुआ है। बैग के साथ एक बड़ा बड़ा लेजर निकला हुआ है, वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह के लेजर निकले हैं बड़े बड़े। कहाँ गए थे हम पूछ रहे आपसे। चलो आप भी पढ़ाई करो। चलो, भाई चला गया था, उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ तीनों बहनों के लिए बैग आ चुका है, और आ करके बैग को देखते ही एकदम से मतलब खुशी के मारे झूम गई थी तीनों बहनें, और तुरंत ही अपना बैग जो है उठा के लेके चली गई हैं उस वाले रूम में। सारा अपना कापी किताब निकाल करके नए वाले बैग में डालेंगी। इतनी खुश थी ना, इन्होंने नाना से मामा से फ़ोन कर करके खूब शिकायत की, हमारे पास बैग नहीं है, आप हमें कुछ नहीं दिलाते हो, जबकि हमेशा वहाँ से चीज़ें इनको मिलती रहती है, फिर भी शिकायत करने से बिल्कुल बाज नहीं आती हैं। कितना भी मना करो पर फ़ोन उठा के वहाँ पर लगा ही देंगी। फिर क्या, देख करके एकदम से झूम उठी और उनका चेहरा एकदम खुशी से खिल गया। सारी कापी किताब इन लोगों ने अपने नई वाले बैग में डाले, लेकिन पुराना वाला बैग हम फेंकने नहीं देंगे। हमने बोला पुराना वाला बैग रखो, उसको अभी धोएंगे, सूखने में करीब एक हफ्ते लग जाएंगे क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। फिर उस बैग में अपनी दूसरी वाली कॉपी किताब डालना, वो कोचिंग की बना देंगे हम। तो बोली ठीक है मम्मी, आज वही कर देंगे। और आज शनिवार का दिन था दोस्तों, तारीख 10 थी, लेकिन आज बच्चे घर में ही थे। सब आप सभी को ब्लॉग में सुबह से दिख रहे हैं, क्योंकि आज कोई स्कूल नहीं गया था, बारिश हो रही थी जिसकी वजह से सब सोते रह गए। हमने किसी को उठाया भी नहीं, सबके कपड़े रखे थे वो धोए, और बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म था उसे भी धो दिया। आज शनिवार है और कल है इतवार, तो दो दिन सूखेंगे, आराम से सूख जाएंगे, उसके बाद हम प्रेस कर देंगे। इधर हमारा जो नया चूल्हा बना था दोस्तों, अभी तक वो सूखा नहीं था, आग इसमें जला दिया है। जला दी है दोस्तों, पहले से आग इसलिए जला दी है ताकि चूल्हा सूख जाए, अभी सूखा नहीं है, कई दिन हो गए इसको बने हुए, सूखा नहीं है, इसलिए पूरा एकदम से दोनों में भर दिए हैं कंडे, ताकि आग गलने से एकदम गर्म होकर चूल्हा सूख जाए। चूल्हे में आग तो जला दिया है दोस्तों, हमने सोचा इधर तैयारी कर लेते हैं, जब तक मैं चूल्हा हमारा आग पकड़ेगा तब तक इधर हम तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने लिया हुआ है गरी का बुरादा, बादाम मिश्री लिया हुआ है, काजू और मखाने लिए हुए हैं। 25 ग्राम से ऊपर मखाने दोस्तों, ये 50 ग्राम के ऊपर मखाने हैं। और यहाँ पे गरी का गोला लिया है, तो इसको कद्दूकस करेंगे। तो दोस्तों, आज पौष्टिक और हेल्दी बिल्कुल मज़ेदार अलग सा लड्डू बनाएंगे, और ये लड्डू व्रत के लिए भी बनेगा, त्यौहार आ रहा है रक्षाबंधन पे भी बन सकता है, और भगवान जी को भोग लगाने के लिए भी इसको बना सकते हैं। तो गरी का गोला पहले से रखा था, और ये मखाने त्यौहार पे आए थे तो कुछ यूज़ हो गया है। तो दोस्तों क्या बताएं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, पीस नहीं पाए हैं हम कोई चीज़ क्योंकि लाइट चली गई है। और यहाँ आके देखे तो चूल्हे में आग भी जल गई और बुझ भी गई, और हमारा चूल्हा सूख भी गया। देखिए जहाँ जहाँ सूखा दिख रहा है ना, फिर से कंडी लगा दे रहे हैं, यही लाइट के साथ यही दिक्कत रहती है। जल जा, भी जल जाना भाई, बुतना नहीं एकदम से। रावण ने कहा था वो सुने के कंगन लाऊंगा ना, तू आन तेरे कंगन के। ट्यूशन से तीनों बहनें आ चुकी हैं, अभी नहीं जाते हैं, एक दो दिन गए हैं उसके बाद नहीं जा रहे हैं। आज तीनों बहनों में बड़ा प्यार है एक दूसरे के बाल में, जो ये ढूंढ रही हैं और लड़ाई भी कर रही हैं। और इधर हमारा छोटा सा बच्चा एक कढ़ाई लेके कब से इसी से खेले जा रहा है, कढ़ाई में बैठ के गोल गोल नाच रहे हैं, इनको पता नहीं कौन सा मजा आ रहा है, कब से इसी में ये बैठे हुए हैं। देखो ये लोग कली तोड़ रही है, कल फिर से खेल जाएगा, ये वाला कुंजी गया है, इसको तोड़ेंगे तो कल फिर खेल जाएगा। दीदी नहीं, ना तोड़ो, तोड़ मम्मी देखो। थोड़ी देर में ही झगड़ा और थोड़ी देर में ही प्यार,
फिर आपस में बैठती हैं और फिर एक दूसरे से बातें करती है। बिना एक दूसरे के रह भी नहीं सकती हैं, ना बिना लड़ाई किए इनको रहना है, ना बिना एक दूसरे के रहना है, ना ही मम्मी से इनकी शिकायतें करना छोड़ना है इनको, शिकायतें तो करनी ही करनी है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आ गए हैं, लाइट तो अभी तक आई नहीं है, उसका ही इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कब तक में लाइट आती है। जब शाम को लाइट चली जाती है तो जल्दी नहीं आती है। इधर हमारी कल्लो रानी घास चर के आ चुकी थी, इनके लिए हमने सानी भी लगा दिया था, राशन वगैरह सब कुछ दे दिया। खाने के बाद ये कीचड़ में बैठ गई हैं, और जब कीचड़ में बैठ जाती है ना तो दुहाई करने में बहुत दिक्कत होती है, दूध भी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है क्योंकि कीचड़ में बैठी रहती है, छींटे वगैरह मार देती है। लेकिन दुहाई जब करते हैं ना उस टाइम इनको फिर नहलाना पड़ता है, नहलाने के बाद ही कहीं दुहाई करनी होती है। तो आज ये घर पर है नहीं, तो मेरा काम जो है वो बढ़ गया है, इसीलिए हमने सोचा था जब ये खा लेंगी तो इनको हटा देंगे। लेकिन हमारी नज़र यहाँ पे थी, यानी कि हम रसोई घर में थे, तो फिर ये बैठ गई थी। तो अब क्या काम बढ़ गया, जब भी दुहाई करनी होगी इनको नहलाना पड़ेगा। और छत पे फिर से आ गए हैं, लाइट तो आई नहीं है, इंतज़ार करते करते बिल्कुल थक गए हैं। इसी तरह होता है दोस्तों गाँव में, और जब कुछ काम रहता है ना लाइट का, या फिर कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो लाइट अक्सर जाती है, फिर उसको आने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। अभी लाइट नहीं आई है तो हम क्या किए दोस्तों, शाम का टाइम है, खाना बनाने का समय हो रहा था, घर में आज रोटियां बनी हैं, बची रखी हैं और चावल भी रखे हैं, क्योंकि मामा जी आ गए थे, इनको पैसे भी मिल गए दुकान की चीज़ें खाने का। उसके बाद पपीता मामा लेके आए थे, वो खा लिया इन लोगों ने। सुबह सुबह ही भाई आ गया था, जिसकी वजह से सारा खाना रखा हुआ, इन्होंने खाया और हमने खाया, तो ये निकल गए थे शहर के लिए, हम अपने कामों में लग गए। थोड़ा सा भाई भी खा लिया था एक रोटी, उसके बाद सारा खाना रखा हुआ है। तो हमने क्या किया दोस्तों, जा रहे रोटी को फ्राई करने के लिए। अभी देखिएगा, अगर फ्राई करेंगे ना, एक भी टुकड़ा रोटी का नहीं बचेगा, यानी कि बासी रोटी अगर घर में है ना तो उसको ख़त्म करने का ये गजब का तरीका है। सब लोग खाएंगे, हम भी, आप भी, बच्चे बड़े बूढ़े सब खाएंगे, सबको पसंद आती है। इतना मज़े से चाय के साथ भी रोटी कोई नहीं खाता होगा, बचपन में सब लोग चाय रोटी खाए होंगे, हम भी खाएंगे, हमारे बच्चे भी खाए हैं, हमारे पतिदेव भी खाए हैं। तो अभी हमने इसमें तड़का लगा दिया है, प्याज लहसुन जीरा मिर्ची का, बस थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है। और नीचे हम जब कल्लो रानी को हटाने के लिए गए थे उसी टाइम माही से बोल दिया था, बेटा आप लहसुन और प्याज काट के रख दो, छोटी छोटी चीज़ों में हमारी हेल्प करवा देती हैं। तो उन्होंने काट के रख दिया था, फिर इधर रोटी को हमने फ्राई कर दिया है, अब बचा हुआ जो चावल है उसको भी फ्राई कर लेंगे। चावल को फ्राई करने के लिए दोस्तों पहले इसको फोड़ना होगा और एक एक चावल अलग करना पड़ेगा। इसमें भी सेम तरीके से ही तड़का लगता है, अमचूर पाउडर, टमाटर, कोई सब्जी हो मिला के इसमें एकदम हेल्दी भी इसको बना सकते हैं, तहरी की तरह, बिरयानी की तरह भी बन सकता है, पर घर में जो था उसी से हम बना। सारे बच्चों को हमने एक साथ ही दे दिया था फ्राई की हुई रोटियां एक ही थाली में, चारों भाई बहन बैठ के बड़े प्यार से खा रही थी, मज़े ले लेके, और इन्हें भूख भी लगी थी क्योंकि सुबह से ये लोग खाना भी नहीं खाए थे। अभी फ्राई की हुई रोटी देख ली है ना, इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी बैठ गई हैं साथ में खाने के लिए, और भूखी भी थी ये लोग, जिसकी वजह से 4-5 रोटियां थी सब खत्म हो गई। हाँ, अभी रोटी खा के मजा ही आ गया, पूरा पेट देखिए हमारा लोग का फुल हो गया, पेट बहुत मजा आ गया। उधर मम्मी अब चावल तल रहे क्योंकि आज बहुत सारा खाना बचा था ना, अरे यार पागल हो क्या, और आज खाना बहुत खटिया टूट जाएगी ना। नमस्ते, वही वाला, नमस्ते, वही वाला ब्लॉग है, बोलो हेलो नमस्ते, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज हमारे यहाँ रोटी तली गई थी, चारों लोग आ गए, हम लोग आज खाना बना एक साथ बोलना, अरे रुको, खाना खाने मजा आया ना, वैसे खाना खाने मजा आया ना। चावल भी इधर बन चुका है दोस्तों, हमारा जो बेटा है उनको चावल चाहिए था, दे दिया है, बाकी के चावल ला के नीचे रख दिए। अभी अंधेरा हो गया है, रात के करीब 8 बजे का टाइम हो रहा है, दुहाई भी हो गई है, खाना शाम को कुछ नहीं बनेगा, जो चावल अभी फ्राई किए हैं वही हम भी खा लेंगे, क्योंकि ये घर पर नहीं है तो इनको आने में लेट हो जाएगा, और इन्होंने बोला है होटल से खाना उधर खा के आएँगे।
लाइट कब की आ चुकी थी दोस्तों, तो यहाँ पे जो मखाने हमने रखे थे ना उसको पहले गर्म कर लिए थे दोपहर में जब पीस रहे थे। लाइट चली गई थी, नहीं आई थी, नरम हो गया था, पीस रहे थे पीस ही नहीं रहा था। फिर से गर्म किए मखाने को और उसके बाद दो बार में पीस लिए हैं और इसी में हमने काजू और बादाम भी डाल के पीस लिए थे। ये हमने लिया है लाल कटोरी में पिस्ता है, इसको काट के इसी में मिला देंगे। जितने भी सामान हमने लिए थे सब एक साथ मिला दिया है। बस हमने इसमें इलायची पाउडर पीस के तो रखा था दोस्तों, ले आए हैं छत से पीस कर ले आए हैं, रखे हैं पर मिलाना भूल गए। अभी अभी हम वीडियो एडिट कर रहे हैं तो अभी हमारा नज़र गया कि इलायची को हम रखे कहाँ हैं, तो अलमारी के ऊपर रख दिया था, याद ही नहीं आया बिल्कुल। इधर जो मिश्री है ना, मिश्री का ही हम चाशनी बनाएंगे। मिश्री ठंडी होती है, गर्मियों के टाइम में खाना चाहिए, तो घर में था तो हमने कहा क्यों ना आज मिश्री की ही चाशनी बनाई जाए। तो चाशनी जब चिपकने लग गई थी ना दोस्तों, हल्की सी तो बस दोस्तों दुहाई अभी हो चुकी है, दूध को भी रख दिया उबलने के लिए। उधर भगोने में चाशनी है, चाशनी को छानने जा रहे थे क्योंकि जो मिश्री हमने डाली है वो धागे वाली भी थी, छोटे दाने वाली भी थी, तो धागा नीचे बैठा हुआ था जिसकी वजह से हम नहीं छानी है। थोड़ा थोड़ा करके चाशनी मिलाना है, नहीं तो अगर पता चला चाशनी ज़्यादा है पूरन कम है तो फिर गीले हो जाएंगे, लड्डू बिल्कुल नहीं बनेंगे। थोड़ी सी चाशनी हमारी देखिए उतने में बच गई है दोस्तों, उसको हम फ्रीज में रख देंगे, कल इसका सुबह चाय बना लेंगे। अभी तो कोई चाय नहीं पिएगा तो कल सुबह इसकी चाय बन जाएगी। और ये देखिए लड्डू काफ़ी मज़ेदार होते हैं और व्रत के लिए बहुत अच्छा है। अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन पर भी बना सकते हैं, और उसके बाद जब भी मन करे व्रत के लिए, जिसका जब भी मन करे, नवरात्रि का व्रत है अभी तो व्रत चल ही रहा है, भोग के लिए किसी चीज़ के लिए भी बना सकते हैं। और ये जल्दी से लड्डू ख़राब भी नहीं होगा, बहुत आसानी से बन जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक चीज़ हम आप लोगों को बताना भूल गए हैं दोस्तों, जैसे मखाने को हम पहले भून लिए थे, आप पीस लीजिए सारी चीज़ों को, बाद में घी डाल के थोड़ा सा सारी चीज़ों को पीसने के बाद भून लीजिए, फिर उसके बाद चाशनी डाल के लड्डू बना सकते हैं। और एक चम्मच हमने इसमें देसी घी लास्ट में डाल दिया था जिससे ये चिकना बने और इसका स्वाद दुगना हो जाए। देसी घी जिस चीज़ में मिल जाए उसका स्वाद फिर अनोखा हो जाता है। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। अच्छा आप लोग सच सच बताइए किसके किसके मुंह में पानी आ गया है लड्डू को देख करके। हमारी रानी बिटिया कभी इस प्लेट में लगाती हैं, कभी उस प्लेट में लगाती हैं। तो दोस्तों लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया है, कुछ हमने इस प्लेट में लगा दी है और कुछ अभी रखा हुआ है। तो दोनों बहनें हमारे आगे पीछे घूम रही है कि लड्डू हमको मिल जाए, लेकिन लड्डू अभी किसी को नहीं मिलेगा, कल सुबह प्रसाद में चढ़ेगा उसके बाद ही ये लड्डू मिलेगा। तो आज की वीडियो का दोस्तों एंड करेंगे और मिलेंगे आप सभी को कल के नए वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय दोस्तों।